विश्व हिंदू परिषदे अमदावाद में योजेली शौर्य जागरण यात्रा में हुंकार कर्यो छे। लव जेहाद साथे संकळायेला तत्वों ने वीएचपीए चेतवणी आपी छे। नवरात्रि में गरबाना आयोजनों में एंट्री माटे आधार तिलक अने कलावा पर भार मुकायो छे। साथे ज अमदावादनुं नाम कर्णावती करवानी मांग पण वीएचपीए दोहरावी छे। जेहादी पंडाल में न घुस पाए, ये उन आयोजकों को भी सुनिश्चित करना है। विश्व हिंदू परिषदे फरी हुंकार कर्यो छे। जग्या हती अमदावादनुं रिवर फ्रंट, ज्यां विश्व हिंदू परिषदनी शौर्य जागरण यात्रा निमित्ते कार्यक्रम योजायो हतो। आ कार्यक्रममां विश्व हिंदू परिषदना केन्द्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेन्द्र जैन तेमज घणा साधु संतो हाजर हता। कार्यक्रममां वीएचपी बजरंग दल अने साधु संतोए अनेक मुद्दे स्पष्ट बात करी, जेमांथी एक वात हती अमदावादनुं नाम बदलीने कर्णावती करवानी। सुरेन्द्र जैने राज्य सरकार समक्ष आ मांग दोहरावी छे। आ माटे तेमणे कारणो पण रजू कर्या। तेमणे अमदावाद नाम सामे वांधो उठाव्यो। ऐसे व्यक्ति पर गुजरात की राजधानी का नाम वास्तव में पूरे देश को शर्मिंदा करने वाला। अहमदाबाद स्वीकार नहीं है, ये दास्ता का प्रतीक है, ये जिहाद का प्रतीक है, ये मेरी माताओं बहनों पर हुए अत्याचार को याद दिलाता है। और जब तक इसका नाम अहमदाबाद रहेगा, ध्यान कर लेना, ये गोल टोपी वाले, बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहनने वाले अहमद के रास्ते पर चलेंगे और लव जेहाद करते हुए मेरी माता बहनों का अपमान करेंगे। जन सैलाब की ओर से, पूज्य संतों की ओर से, गुजरात की सरकार से आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ, तुरंत अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती किया जाए, यही देश का गौरव। ट्रिपल डबल इंजन की सरकार होगी, यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि यहाँ का हिंदू समाज, यहाँ का जनता, यहाँ का सामर्थ्य वो भी किसी सरकार से कम नहीं है। मजबूत सरकार और मजबूत समाज कुछ भी कर सकता है, इसलिए बिना विलंब किए हमारी इस मांग को पूरा करो और अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती करो, यही देश की मांग है, यही यहाँ की मांग। सुरेन्द्र जैनना शब्दों एक रीते सरकार माटे अल्टीमेटम समान हता, जो कि सरकार ना वखाण करीने तेमणे पोतानी आक्रमकता ने वाड़ी पण लीधी। जो के तेओ अहीं ज न अटक्या, तेमणे लव जेहाद साथे संकळायेला तत्वोने पण चीमकी आपी छे। सरकारने लव जेहाद विरोधी कायदानुं सख्ताईथी पालन करवानी अपील करी, साथे ज एवी चीमकी पण आपी कि जरूर पड़शे तो वीएचपी बजरंग दल कायदो हाथमां लेता पण नहीं खचकाय। किसी बहन बेटी का अपमान नहीं होने दिया जाएगा। सरकार ने मजबूत कानून बनाया है, मजबूती से लागू करेगी, एक एक जिहादी को पकड़ेगी, मेरे को पूरा विश्वास है। लेकिन ये भी विश्वास है कि अगर कोई वहां से बच गया तो मेरे बजरंगियों से बच नहीं पाएगा। बेशक कहते रहना कानून हाथ पे मत लो, लेकिन अपनी बहन बेटी की, अपने संतों की, अपने देश की, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अगर कानून हाथ में लेना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरा भाषण सुनकर ये मत समझना कि बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद मुस्लिम विरोधी है या गुजरात मुस्लिम विरोधी है। हम किसी के विरोध में नहीं है। गुजरात की धरती तो सनातन परंपरा की वाहक रही है। लोग किसी और कारण से कहते होंगे कि गुजरात
गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, लेकिन मैं गर्व से कहना चाहूंगा अगर किसी को हिंदुत्व के दर्शन करने हैं तो वो गुजरात का इतिहास पढ़ ले, गुजरात की धरती पर आ जाए, उसको हिंदुत्व के दर्शन यहाँ पर साक्षात दिखाई। नवरात्रि हवे दूर नथी त्यारे सुरेंद्र जैने गरबाना आयोजनोमां लव जेहाद सामे सतर्क रहेवानी लोकोने अपील करी छे। साथे ज तेमणे आयोजको अने हिंदू संगठनोने केटलाक पगला लेवा पण कह्युं छे, जेमां लोकोना आधार कार्ड चेक करवा अने खिलैयाओना माथा पर तिलक लगाववा जेवा सूचनोनो समावेश थाय छे। जेहादी वहां मौका तलाशते, मेरी बहन बेटी को छेड़ने का मौका ढूंढते, हमने तुमको रहने दिया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारी इज्जत पर हाथ डालो। मैं बजरंगियों का आह्वान करता हूं, हर पंडाल में जाएं, गरबे के सबका आधार कार्ड चेक करें और बिना आधार कार्ड के वहां पर गरबे में किसी को घुसने ना दे। हिंदुओं के लिए आराधना का स्थल है तो इसलिए केवल वही गरबे के पंडाल में आने की अनुमति रखते हैं। कोई जेहादी पंडाल में ना घुस पाए ये उन आयोजकों को भी सुनिश्चित करना है। इसलिए कोई टेंट वाला गरबे के टेंट के अंदर, कोई म्यूजिक वाला, कोई मेहंदी वाला, कोई टैटू वाला, जेहादी गोल टोपी वाला नहीं होना चाहिए। ये मेरी अपील है पूरे गुजरात के गरबा के आयोजक। VHPના એક કાર્યક્રમમાં એલિસ બ્રિજ બેઠકથી ભાજપના ધારાસભ્ય અને શહેરના પૂર્વ મેયર અમિત શાહ પણ હાજર હતા। વાત જ્યાં સુધી અમદાવાદનું નામ કર્ણાવતી કરવાની છે તો આ મુદ્દે રાજકારણમાં કોઈ સક્રિયતા નથી જણાતી। આ મુદ્દો ફક્ત VHPની માગ પૂરતો મર્યાદિત છે। વાત જ્યાં સુધી ગરબાના આયોજનોની છે તો એ જોવું રહેશે કે વ્યવસ્થા VHPની માગ પ્રમાણેની રહે છે કે કેમ। બ્યુરો રિપોર્ટ, ઝી મીડિયા।